हाय फ्रेंड्स, तो मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि आप अगर यूट्यूब में सर्च करोगे तो एक ही आपको मिलेगा कि रिजल्ट्स आ चुके हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, कमेंट्स सेक्शन को ऑफ करके और वीडियो बना दे रहे हैं कि रिजल्ट्स आ चुका है, बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ देखोगे सेवा ऑफिशियल साइड में कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऑनलाइन पोर्टल रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लास 3 एंड क्लास 4 अंडर गवर्नमेंट ऑफ असम। यहाँ देखोगे बाकी जो इसके नीचे जो आ रहा है ये आपका डाउनलोड एडमिट कार्ड, ठीक है ना। तो अभी ये पहले का नोटिफिकेशन है, अभी का देखोगे यहाँ पे नोटिफिकेशन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन रिजल्ट्स को लेकर नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि टाइम वेस्ट ना करके आप अपने स्टडी में टाइम को लगाओ, ठीक है। देखोगे यहाँ पे नीचे भी देख लो आप, ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है रिजल्ट्स को लेकर नोटिफिकेशन, ठीक है ना। कि जैसे कि अभी आपने देखा था कि 30 सितंबर को रिजल्ट्स आउट होने वाले हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया भी, बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ देखोगे कहीं आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। कहीं आपको दिखा, कहीं भी रिजल्ट्स के बारे में कोई अपडेट अभी तक नहीं है। तो अगर हम लोग देखें कि असम career.com में जाके देखते हैं तो वहाँ आपको अब मिल रहा है क्या, तो देखते हैं यहाँ पे सर्च करके। सबसे पहले तो ये देखोगे दोस्तों असम career.com, ठीक है। अब यहाँ देखो नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ देखोगे यहाँ नावर्ड का है, उसके बाद ऐसा कुछ भी आपको नहीं, UGC नेट। अब यहाँ देखोगे असम डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रिजल्ट्स, ठीक है। अच्छे, अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे सर्च करके क्या है, ठीक है। तो देखोगे नीचे आते हैं, अब इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, नीचे देखते हैं इसको क्या दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे नॉट स्पेसिफाइड यहाँ दिया हुआ है ना डेट ऑफ, ठीक है। अच्छे, दूसरा आप नीचे आप आके देखो यहाँ पे, तो यहाँ देखोगे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कैटेगरी रिजल्ट्स नोट डिक्लेयर, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ दिया हुआ है कमिंग सून, ठीक है। तो जो अभी रिजल्ट्स है अभी आने वाले, बट ये ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं किया गया हुआ है कि कब रिजल्ट्स आएंगे। हाँ, CM सर ने बताया था कि पूजा के पहले एक रिजल्ट आ सकता है और पूजा के बाद एक रिजल्ट आ सकता है, तो ये चांसेस है, हो सकता है संडे तक रिजल्ट आ जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि अभी रिजल्ट्स नहीं निकला हुआ है।